search Digipo on YouTube. डरावनी है। नानी माँ के पास जाना है तो इसमें बैठना पड़ेगा। ओह, ये क्या मुसीबत है अब? मुझे बहुत डर लग रहा है। कोशिश करता हूँ उनकी मदद करने की। वापस जाओ टिटिपो। अगर जल्दी नहीं पहुँचे तो टीवी पर आने का मौका गवा दोगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, मुझे वापस चलना चाहिए। रुक जाओ। एक अच्छी रेल जरूरतमंद यात्रियों को छोड़कर नहीं जाती। तुम्हें वहाँ जाकर छोटे बच्चे की मदद करनी चाहिए। बेकार की बातें मत सोचो, सोच समझ कर फैसला लो। तुम बन सकते हो सुपरस्टार। बच्चे को भूल जाओ और वापस शहर चले जाओ। मतलब ही मत बनो, सही तो यही होगा कि तुम बच्चे की मदद करो। इसकी बात मत सुनो, सुनोगे तो टीवी पर नहीं आ पाओगे। बस बहुत। डीजल कुछ अलग है। चूचू टाउन में एक नई सुबह की शुरुआत। आज मेरी छुट्टी है। तो दिन कैसे बिताऊं? जीनी आ रही है। ओ, यहाँ तो कीचड़ है। जीनी। ओ, डीजल, गुड मॉर्निंग। ओ, सॉरी, मैंने देखा नहीं कि कीचड़ है वहाँ पर। डीजल, तुमने जानबूझकर किया है, वापस आओ। मैं जल्दी में हूँ। अब डीजल अपनी अगली शैतानी के बारे में सोच रहा था। तुमने डरा दिया मुझे। टीटीपो, ऐसा मत किया करो। टीटीपो है एक डरपोक बिल्लू। डीजल, मुझे जाना है, मिलते हैं। दूसरों को तंग करने में बड़ा ही मजा आता है। ओ? अरे वो लोगो है। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। लोगो? डीजल? काम पे जा रहे हो? हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया जा रहा हूँ। लोगो, चलो रेस लगाते, देखते कौन पहले पहुँचता है। रेस लगाए? तो फिर चलो। डीजल? लोगो है दीमा कछुआ। दीमा कछुआ बोला मुझे? देखना, मैं तुमसे तेज हूँ। लोको! अरे नहीं, लोको ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और वो पटरी से उतर गया। लोको, टियो, लोको को बहुत चोट लगी है क्या? पता नहीं, पता लगाने के लिए मुझे पूरा चेकअप करना होगा। डीजल, मुझे लगता है तुम्हें जाकर अब आराम करना चाहिए। लोको, मुझे माफ कर दो, गलती मेरी है। टियो मुझे ठीक कर देगा, चिंता मत करो डीजल। उम्मीद है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बाय टियो, अब मैं चलता हूँ। बाय, जाओ आराम करो। ठीक है। उस शाम छोटी रेलगाड़ियाँ मिस्टर हर्ब के पास इकट्ठा हुई। सुनो, लोको को एक नए पुर्जे की जरूरत है। जब तक वो पुर्जा नहीं आता, उसे वहीं रहना होगा। बेचारा लोको, वो बहुत डर रहा होगा। काफी हैरानी की बात है, क्योंकि लोको कभी मोड़ पर तेज नहीं दौड़ता। ये दुर्घटना मेरी वजह से हुई है। तुम्हारी? हाँ, मैंने उसे धीमा कछुआ बोलकर उकसाया था, तो मुझे गलत साबित करने के लिए वो तेज दौड़ा। गलती मेरी है। हौसला रखो डीजल, लोगो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन आगे से ऐसी खतरनाक शैतानियां नहीं करना, समझे डीजल? ठीक है सर। ठीक है, अब तुम सब लोग जाओ। ठीक है। उसे इतना दुखी कभी नहीं देखा। ये डीजल है, कल से फिर शैतानियाँ करने लगेगा। हाँ, तुमने ठीक कहा। बिल्कुल, चलो सब घर चलते हैं। ठीक है। अगली सुबह डीजल और टीटीपो काम के लिए निकल गए। ओ, ये तो डीजल है। अब पता चला डरपोक बिल्ली कौन है। तुम तो मुझसे भी ज्यादा चिल्लाए। तुम सच में बहुत डर गए होगे जब मैंने ये शैतानी की थी ना। मुझे माफ कर दो टीटीपो। मैं तो तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा था। हाय डीजल।
हाय जीनी, कैसी हो? काम खत्म हो गया, कहीं घूमने चलोगे? नहीं शुक्रिया, मैं नहीं जा सकता। नहीं लेकिन क्यों, काम रहता है क्या? मेरे जैसी शैतान रेल को घूमने का कोई हक नहीं है। क्या? सभी रेलगाड़ियों ने लोको से मिलने का फैसला किया। डीजल, बाहर आओ। कैसे हो दोस्तों? मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ जा पाऊंगा। क्या? मुझे नहीं लगता कि लोको मुझे देख के खुश होगा। तुम सब मेरे बिना ही चले जाओ। हेलो लोको। हाय दोस्तों। अब कैसे हो तुम? टियो ने बताया नया पार्ट लगने के बाद मैं फिर से दौड़ने लगूंगा। ये तो अच्छी बात है। लेकिन डीजल कहाँ है? डीजल, तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद वो बहुत बदल गया है। बहुत ज्यादा, वो अब घूमने तक नहीं जाता है। और उसने कहा कि तुम उसे नहीं देखना चाहोगे, इसीलिए वो नहीं आया। सच में? डीजल तुम्हारे गिरने की वजह खुद को मानता है। तो ये बात है, पर मुझे अच्छा लगता है कि डीजल शरारतें करता है। ओ, सुनो दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है जिससे डीजल को अच्छा महसूस होगा। हाँ? क्या आइडिया है? टिटीपो, टिटीपो। अगले दिन छोटी रेलगाड़ियां डीजल को खदान में ले गईं। हम पहुंच गए। हम खदान में क्या करने आए हैं? डीजल, याद है तुम मुझे पहली बार खदान दिखाने के लिए लाए थे? मैं तुम्हें हमेशा से उसके लिए शुक्रिया कहना चाहती थी। शुक्रिया मुझे? उस दिन मजा आया था। इस तरफ चलना है। ठीक है। ये एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ क्या कर रही है? मुझे लगता है कि सिंह सिंह को दूसरी मालगाड़ियों से दोस्ती करने में मुश्किल होगी। सिंह सिंह सुनो, तुम यहीं पर रुको। यहाँ? पर यहाँ क्यों? अभी पता चल जाएगा। डीजल, देखो क्या हाल हो गया मेरा। ए दोस्तों, देखो ये सिंह सिंह है। अरे डीजल, तुम्हारी शैतानी से तुम्हारी दोस्त को चोट लग सकती थी। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। इस शैतान डीजल की जगह चलो हम तुम्हें खदान घुमा लाते हैं। वाह, सच्ची? बिल्कुल, बस तुम हमारे साथ साथ चलो। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। मैं जानती हूँ तुमने वो शैतानी क्यों की थी, ताकि वहाँ मेरी सबसे दोस्ती हो जाए। थैंक यू डीजल। कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमें दूसरी जगह जाना है। दूसरी जगह? छोटी रेलगाड़ियाँ डीजल को चूचू टाउन के ऑडिटोरियम में ले गईं। डीजल, तुम्हें याद है पिछली बार यहाँ क्या हुआ था? यहाँ? याद है, जीनी और मेरी लड़ाई हो गई थी। अब तक शुरू भी हो गई होगी। अरे नहीं, कोई जगह खाली है? वो जगह खाली है। आगे से देखने की आज मेरी बारी है। नहीं, तुम्हें याद नहीं इस बार मेरी बारी है? नहीं, मुझे याद नहीं। झूठ मत बोलो। तुम दोनों भी अजीब हो, छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो उस जगह के लिए। टिटीपो, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं भी अपना सोच रहा था, माफ कर दो। ये बात, अच्छे दोस्तों को ऐसे ही रहना चाहिए। इसीलिए सबसे आगे वाली लाइन मैं ले लेता हूँ। उसे समझना मुश्किल है। जीनी, क्या हम दोनों साथ साथ यहीं से फिल्म देखें? ठीक है। तुम्हारी वजह से डीजल, मेरी और टिटीपो की लड़ाई खत्म हुई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया डीजल। मुझे सुनकर खुशी हुई। एक बात बताऊं, तुम हंसते हुए और शरारते करते हुए अच्छे लगते हो। ठीक कहा, जब तुम हमारे साथ शरारते नहीं करते तो बोरियत होती है। तुम्हारा शुक्रिया दोस्तों, सुनकर अच्छा लग रहा है। सुनो, मौसम बहुत अच्छा है, बाहर घूमने और खेलने चले। अच्छा आइडिया है। छोटी रेलगाड़ियाँ समुद्र के किनारे जा रही हैं। अचानक क्या हुआ, आसमान में काले बादल छा गए। ऐसा लगता है बारिश होगी। वापस जाना चाहिए। मुझे घूमने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था।
मुझे माफ कर दो दोस्तों। कोई बात नहीं डीजल। दोस्तों एक आइडिया है, हम गाना गाते हैं। कौन सा गाना? याद नहीं, वो प्यारा गाना जो तुमने सिखाया था जब पिछली बार घूमने गए थे। ओ, सही कहा, उस दिन भी ऐसे बरसात हो रही थी। मुझे याद है तुम्हारे साथ गाना गाकर बहुत मजा आया था। उसे ही दोबारा गाते हैं। टप टप बरसी, टप टप बरसी, टप टप बरसी, बूंदे हम पर। चम चम बरसी, चम चम बरसी, चम चम बूंदे हम पर। जुड़े गए एक कदम दो कदम, चलते जाए हम मिलकर। मनाए मौत जब भी बरसी, बूंदे चम चम हम पर। जब छोटी रेलगाड़ियां हंसते गाते जा रही थीं, तभी सूरज निकल आया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डीजल। हाय दोस्तों। हेलो लोको, क्या अब तुम पूरी तरह से ठीक हो? बिल्कुल, एक नए इंजन जैसा। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। डीजल, उस बारे में टीओ ने कुछ बताया मुझे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं रेगुलर चेकअप नहीं करवा रहा था। क्या मतलब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी? मैं ऐसे ही खुद को दोषी मान रहा था। सॉरी डीजल। अभी बताता हूँ तुमको। अब से मैं चेकअप का ध्यान रखूंगा। वादा करता हूँ। पता तुम्हें कितना परेशान था मैं। अपने दोस्तों की वजह से डीजल फिर से हंसमुख और शरारती हो गया है, लेकिन आगे से खतरनाक शरारतें मत करना डीजल। शैतान चीची। जूजू टाउन में सुबह का समय। शैतान पप्पी चीची, ये क्या किया तुमने? शरारती कहीं के, देखो तुमने कितना नुकसान कर दिया है। मिस्टर हब। ओ, आ रहा हूँ। आ गए तुम चिटिपो? गुड मॉर्निंग मिस्टर हब। हेलो चीची। ओ मिस्टर हब, आपके कपड़ों पर क्या लगा है? हाँ। ओ टीटीपो, सफाई करते हुए ये गंदगी लग गई होगी। इस छोटे शैतान ने मेरे ऑफिस को गंदा करके रखा हुआ है। चीची ने फिर तंग किया, इससे मुझे कल रात की बात याद आई। ये आवाज कैसी थी? क्या कुछ गड़बड़ है? कितनी तेज आवाज है, ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो चीची? हम सब सो रहे थे, चीची ने डराकर सबको उठा दिया। और उस दिन भी इसने बहुत तंग किया था मुझे। मैं आ गया। ओ शाबाश डीजल। चीची, ये कहां पर गया था? मुझे लगता है चीची चुपचाप मुझ पर चढ़ गया और मेरे साथ खदान पहुंच गया था। क्या, चुपचाप चढ़ गया? लेकिन चीची बहुत प्यारा है। ये तो सच है। ओ जरा समय तो देखो टीटीपो, तुम्हें अब जाना चाहिए। ठीक है, आपका दिन अच्छा बीते मिस्टर हब। तुम्हारा भी। आखिरी स्टेशन आ गया, सबको बाय बाय। थैंक यू टीटीपो। खड़ी रहो, बैठो। वाह, कितना समझदार डॉगी है। ओ टीटीपो, हेलो। हेलो। आपका डॉगी आपका हर कहना मानता है। शुक्रिया, ये बहुत से कर्तव्य करता है। ये देखो, हाथ मिलाओ। अब दूसरा हाथ मिलाओ। कमाल है, आपने ये सब कैसे सिखाया? बहुत प्रैक्टिस चाहिए, काफी वक्त से सिखा रहा हूँ इसे। मैं वापस आ गया। टीटीपो शाबाश। मिस्टर हब, कभी चीची को ट्रेनिंग देने के बारे में सोचा है? ट्रेनिंग? हाँ, अगर आप चीची को सिखाएंगे तो फिर वो कभी तंग नहीं किया करेगा। अरे वाह, ये अच्छा आइडिया है, चीची को सिखाना। क्या मैं उसे सिखाऊं? हाँ, और मैं आपकी मदद करूँगा।
अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया टिटिपो। मुझे खुशी होगी। इसे थोड़ी ट्रेनिंग देता हूँ। तैयार हो चीची? जा लेकर आओ। शाबाश चीची। देखा तुमने, कितना अच्छा डॉगी है। हाँ, सुना है ये चूचू टाउन में रहता है। ये हुई ना बात, हमारा चीची सबसे अच्छा है। लगता है ये आसानी से सीख जाएगा। अगले दिन मिस्टर हर्ब और टीटीपो ने चीची को सिखाना शुरू किया। इस डिस्क को उठा के लाओ चीची। बहुत बढ़िया चीची, मैं इसे फेंकूंगा, तुम इसे उठा कर लाओ, ठीक है ना? चीची तुम कर सकते हो। तो तुम तैयार हो? लेकर आओ। जाओ ना चीची, उठा कर लाओ। जाओ ना चीची, तुम्हें उसे उठा कर लाना है। चीची मेरे पीछे आओ। आप फिर कोशिश करते हैं। फिर फेंकूंगा इसे चीची, छोड़ो। मैंने कहा ना छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। मिस्टर हर्ब, क्या आप ठीक हैं? कुछ नहीं हुआ मुझे। सुनो, इसको लाने पर ध्यान लगाओ चीची। ये चीची, तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? हर बार जब मिस्टर हर्ब चीची की तरफ डिस्क फेंकते तो उन्हें ही वो वापस लानी पड़ती। मेरी उम्र हो गई है। चीची दोबारा। ओ चीची, मैं तो बहुत थक गया हूँ। लगता है ट्रेनिंग मिस्टर हर्ब की हो रही है। मिस्टर हर्ब, आप ठीक तो है ना? मुझे लगता है सिखाने का तरीका बदलना पड़ेगा। चीची दूसरी तरह कोशिश करते हैं। यहाँ बैठो, ऐसे, इस तरह से। मैंने लेटने को नहीं कहा, मैंने कहा बैठ जाओ और उसके बाद गोल गोल घूमो। देखो इस तरह घूमो, है ना आसान? ओ चीची, गुदगुदी ना करो। टीटीपो, टीटीपो। ओ, पीठ दुखने लगी। लगता है बारिश होने वाली है। टीटीपो, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है चीची, चलो चलें। ओ चीची, ओ कहाँ जा रहे हो तुम? ओ, ओ। अरे दूर मत जाओ चीची, वापस आ जाओ। अरे नहीं, लगता है तूफान आएगा। चीची चीची, कहाँ हो तुम? चीची चीची। मिस्टर हर्ब चीची को हर तरफ ढूंढ रहे हैं। चीची, ओ चीची, यहाँ हो तुम? ओ मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, डरना नहीं प्यारे बच्चे। हाँ, इतनी देर क्यों लग गई? ओ मिस्टर हर्ब। ओ टीटीपो, मिल गया चीची। ये कहाँ था मिस्टर हर्ब? ये जंगल में चला गया था, शायद ये डर गया है, कांप रहा है। डर गया? जल्दी अंदर आइए। ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। जी मिस्टर हर्ब। टीटीपो जल्दी से चूचू शहर की तरफ चल पड़ा। तुम बहुत शैतानी करते हो। चीची, शैतानियां तभी कर पाओगे जब तुम ठीक रहोगे। शैतान बच्चे, कम से कम जवाब तो देते हो। डर लग रहा है? डरो मत चीची, मैं हूं ना।
ये क्या? लगता है मिस्टर हर्ब बीमार हो गए हैं। क्या कर रहे हो दोस्त? क्या चूचू शहर में कुछ हुआ है दोस्त? मैं समझ गया, चलो चलते हैं। ओ मिस्टर हर्ब, मिस्टर हर्ब क्या हुआ आपको? हेलो, जल्दी एम्बुलेंस भेजिए, इन्हें बहुत तेज बुखार है। परेशानी की कोई बात नहीं है, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। हाँ, हम इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम दोनों का शुक्रिया एलिस जे, इनका पूरा ध्यान रखना। अगर तुम मुझे नहीं बुलाते तो कुछ भी हो सकता था। तुमने अच्छा काम किया चीची। मिस्टर हर्ब। ओह, आओ मेरे बच्चों। हेलो, माइक्रोफोन टेस्टिंग। हेलो चीची, मैंने सुना है आज चीची का टीवी पर इंटरव्यू होगा। ये माइक ठीक ही सुना है। उसने जरूरत के वक्त आपकी मदद की। चीची सच में हीरो है। बिल्कुल, वो सबसे समझदार डॉगी है। आप तैयार हैं सर? हाँ। चीची वो समझदार पपी जिसने अपने मालिक की जान बचाई है। उसके मालिक से मिलते हैं स्टेशन मास्टर मिस्टर हर्ब। हेलो सर। ओ हाँ, सभी को हेलो, मैं हूँ स्टेशन मास्टर। चीची के बारे में बताइए, वो कैसा डॉगी है? चीची एक कभी शरारत नहीं करता और बहुत स्मार्ट है। अरे ये क्या कर दिया? चीची नहीं, नहीं। अरे उसे रोकिए। ओ चीची ये सब बंद करो अभी। चीची लगता है कैमरा खराब हो गया। आपने तो कहा था कि ये कभी तंग नहीं करता। चीची, हालांकि चीची बहुत तंग करता है, लेकिन वो सबका प्यारा पपी है ना दोस्त? मैं टीवी पर दिखना चाहता हूँ। चूचू टाउन में एक नई सुबह। हेलो मिस्टर हर्ब। ओ टीटीपो, आज काम पूरा करके सीधा घर ही आना। क्यों? टीवी वाले सभी ट्रेन्स का इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं, उसके बाद वो एक सबसे अच्छी ट्रेन चुनेंगे। वाह! इसका मतलब ये हुआ कि मैं टीवी पर आऊंगा? हाँ बिल्कुल, दूसरी रेल भी जल्दी घर आ रही हैं, इसलिए लेट मत होना। नहीं होऊंगा, अब मैं काम पर चलता हूँ। टीवी पर देखने की बात सुनकर टीटीपो बहुत उत्साहित है। मिलिए दुनिया की बेहतरीन रेल टीटीपो से। सबको मेरा हेलो। सबका दोस्त, सुरक्षित और समय पर पहुंचाने वाला सबसे मेहनती टीटीपो, सबसे अच्छी ट्रेन का इनाम इसे ही मिलना चाहिए। सभी को गुड मॉर्निंग। हेलो। टीवी पर आने के बाद मैं स्टार बन जाऊंगा। सभी को हेलो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सब मुझे चाहते हैं। टीटीपो, हाँ? तुम अब तक जा क्यों नहीं रहे हो? माफी चाहता हूँ। काम के समय सपने मत देखा करो, अपने काम पर पूरा ध्यान दो। जी सर। लगता है टीवी के लोग पहुंच चुके हैं। तैयार, स्टार्ट। आपका स्वागत है, आज हम मौजूद हैं चूचू शहर में और मेरे साथ है चूचू शहर के ट्रेन मास्टर। ट्रेन के बारे में बताइए सर। आप सभी को हेलो, बहुत सी रेलों में चूचू शहर, मेरा मतलब है चूचू शहर में बहुत सारी रेल रहती हैं। मिस्टर हर्ब, क्या? आराम से बोलिए, घबराइए मत। अच्छा ठीक है।
अब हम इस शहर की दो रेलगाड़ियों के घर में हैं। दिन भर हम रेलगाड़ियों से बातें करेंगे। सबसे पहले हम इन दो रेलगाड़ियों से मिलेंगे। हेलो, क्या आप अपने काम के बारे में बताएंगे? जी हाँ, जरूर, क्यों नहीं। मेरी तरफ मत देखिए, उधर देखिए, कैमरा उधर है। सभी को हेलो, हम दोनों यहाँ की सर्विस रेल हैं। हम मुसीबत में ट्रेन्स की मदद करते हैं। वाह, क्या बात है। अरे, आपने अपना नाम ही नहीं बताया। मैं हूँ सर्विस रेल फ्लेक्स। और मैं हूँ उसका साथी बेहतरीन लेव। बुया, बुया। क्या आप सुनना चाहेंगे हमारा रैप? हमारा एक खास रैप है जिसे हम काम पर जाते वक्त गाते हैं। चलिए सुनाइए। फ्लेक्स, फ्लेक्स, मेरा नाम है फ्लेक्स। एक मिनट जी। खदान में एक दुर्घटना हो गई है, वहाँ तुम्हारी जरूरत है। सुनो लिफ्ट, हमें जल्दी चलना है। ठीक है। क्या आपको अभी जाना होगा? हाँ, हम आपको रैप अगली बार सुनाएंगे। हम माफी चाहते हैं आपसे। कोई बात नहीं, चलो चले। हम स्टेशन पहुँच गए। मेरा काम खत्म हो गया, अब जल्दी से शहर चलता हूँ। आओ बेटा, ये रेल डरावनी है। नानी माँ के पास जाना है तो इसमें बैठना पड़ेगा। ओह, ये क्या मुसीबत है अब। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोशिश करता हूँ उनकी मदद करने की। वापस जाओ टिटिपो। अगर जल्दी नहीं पहुँचे तो टीवी पर आने का मौका गवा दोगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, मुझे वापस चलना चाहिए। रुक जाओ। एक अच्छी रेल जरूरतमंद यात्रियों को छोड़कर नहीं जाती। तुम्हें वहाँ जाकर छोटे बच्चे की मदद करनी चाहिए। बेकार की बातें मत सोचो, सोच समझ कर फैसला लो। तुम बन सकते हो सुपरस्टार। बच्चे को भूल जाओ और वापस शहर चले जाओ। मतलब ही मत बनो, सही तो यही होगा कि तुम बच्चे की मदद करो। इसकी बात मत सुनो, सुनोगे तो टीवी पर नहीं आ पाओगे। बस बहुत हुआ, मैं जरूरतमंद यात्री को नहीं छोड़ सकता। मस्ती में चलती रहे छोटी रेल टिटिपो। टिटिपो, टिटिपो, टिटिली टिटिपो। पटरी पे चलती रहे टिटिली टिटिली टिटिपो। होई होई। मॉम, इस ट्रेन को देखिए, कितनी फनी हो तुम। बिल्कुल हूँ, मैं डरावना भी नहीं हूँ ना। अब तो ट्रेन में जाओगे ना तुम? हाँ मॉम। मदद के लिए शुक्रिया छोटी ट्रेन। ये मेरा फर्ज है। चीचीपो, चीचीपो। जीनी वापस चूचू शहर आ गई। मैं काम करके आ गई। क्या हम बात कर सकते हैं? बात? क्या हम आपका छोटा सा इंटरव्यू ले सकते हैं? जरूर। मिलिए छोटी रेल से जो अभी अभी काम से लौटी है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जीनी, एक पैसेंजर ट्रेन। तुम अभी काम से लौटी हो और फिर भी इतनी साफ और चमकती हुई? क्योंकि मैं यात्रियों को लाती ले जाती हूँ, मुझे साफ रहना ही चाहिए। जीनी। जी सर। एक मेहनती मालगाड़ी अभी अभी काम से लौटी है। ये है डीजल। आपसे मिलकर अच्छा लगा। पर ये कैमरा क्यों लगा रखा है? डीजल, ये हमारी फिल्म बना रहे हैं। क्या, हमारी फिल्म बना रहे हैं? आज मैंने खदान में काम किया, इसलिए मैं बहुत गंदा हूँ। इससे साबित होता है कि तुम मेहनती हो, बहुत ही अच्छे लग रहे हो। मैं अच्छा लग रहा हूँ? मुझे मालूम था आप भी यही बोलेंगी। अच्छे लग रहे हो। बाय टीटीपो। बाय बाय। तुम्हारा शुक्रिया टीटीपो। मदद करके अच्छा लगा। टीटीपो जी, कहिए मिस्टर हब। तुम हो कहाँ? मैं अभी स्टेशन पर हूँ, अब शहर आ रहा हूँ। चलो अच्छा हुआ। तुम्हारे पास एक रेल खराब हो गई है, वहाँ जाकर तुम उसकी मदद कर दोगे प्लीज? तो फिर क्या होगा इंटरव्यू का? सबसे पास तुम ही हो, इसीलिए माफी चाहता हूँ। ठीक है। रेल तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है। अगर मैं टीवी वालों से मिलकर बातें कर पाता तो कितना मजा आता। लेकिन साथ ही रेल की मदद करना ज्यादा जरूरी है, तो ठीक है, मैं चलता हूँ। और इंटरव्यू लेने की जरूरत है? नहीं, मेरे ख्याल से हमने आज काफी इंटरव्यू कर लिए हैं। तो क्यों ना हम दूसरी रेलगाड़ियों से भी बात कर लें? तो फिर चलो।
ट्रेन चलनी कब शुरू होगी? मैं माफी चाहता हूँ। मदद के लिए मैं आ गया। कितना अच्छा हुआ तुम आ गए, पता नहीं क्यों लेकिन मैं चल नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारे सभी यात्रियों को मैं ले जाऊंगा। शुक्रिया टीटीपो। फिक्स और लिफ्ट यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे, चिंता की कोई बात नहीं। आपका स्वागत है, अब ये रेल जाएगी। अब हम चल रहे हैं। अरे रुको, मैं आ रहा हूँ, प्लीज मेरे लिए रुको। लेकिन मुझे जल्दी वापस जाना है। देखो तुम चले मत जाना। अभी नहीं चलूँगा, अगर अभी चल पड़ा तो दादाजी घर नहीं पहुँच पाएंगे। ध्यान से सुनिए, हम यहाँ से तब चलेंगे जब ये वृद्ध व्यक्ति चढ़ जाएंगे। धन्यवाद। अब हम चल रहे हैं। आखिरकार काम पूरा करके टीटीपो वापस शहर पहुंच गया। अरे दोस्तों, कहाँ है टीवी वाले? वो तो चले गए, अब तो शो शुरू होने वाला है, मजा आएगा। हम सब एक साथ देखेंगे, जल्दी आ जाओ, इंतजार नहीं हो रहा है। अफसोस, मैं उसमें नहीं होऊंगा। अरे बाप रे, टीटीपो दुखी है कि वो इंटरव्यू नहीं दे पाया। ये कब शुरू होगी? बस थोड़ी ही देर में। हाय दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा। हेलो। हाँ ये शुरू हो गया। ट्रेन के बारे में बताइए सर। मिस्टर हब बोल रहे हैं, वाह। कैसे बोल रहे हैं मिस्टर हब? वो थोड़े घबराए हुए लग रहे हैं। अब हम सबके इंटरव्यूज आएंगे। आप सभी को हेलो, मेरा नाम है सिंह सिंह, मैं यात्रियों को जल्दी और सुरक्षित यात्रा कराती हूँ। वाह क्या बात है। चूचू शहर की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन है, ये है जुड़वा मालगाड़ी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मैनी। और मेरा नाम है बर्नी। वाह बढ़िया, आगे मिलते हैं एक छोटी रेल से जो अभी अभी लौटी है। छोटी रेल गाड़ियाँ अपने आप को टीवी पर देख कर बहुत खुश थी। अच्छा लग रहा था ना? तुम बहुत अच्छे लग रहे थे। सिर्फ मैं टीवी पर नहीं आया। देखो टीटीपो। एक रेल में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से बहुत से यात्री स्टेशन पर ही फंस गए हैं, लेकिन एक छोटी रेल पहुंच गई है उनकी परेशानी दूर करने के लिए। आपका स्वागत है। हम तब चलेंगे जब ये चढ़ जाएंगे। टीटीपो तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस रेल की वजह से सबसे अच्छी रेल तुम ही हो टीटीपो। शुक्रिया दोस्तों। चलिए देखते हैं यात्रियों का क्या कहना है। तुमने मेरा इंतजार किया इसलिए मैं सुरक्षित घर पहुंच पाया, धन्यवाद टीटीपो। टीटीपो ने मेरे लिए गाना गाया, टीटीपो टीटीपो टीटीली टीटीपो। ओ ये तो वो बच्चा और दादाजी हैं जिनकी मैंने मदद की थी। तो ये रेलगाड़ियाँ इसी तरह हर रोज मेहनत करती हैं ताकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो, इसलिए इन सब का शुक्रिया। उम्मीद है कार्यक्रम पसंद आया होगा, आप सबका शुक्रिया। तुम कमाल के हो टीटीपो। हाँ मैं तो तुम्हें ही देखती रह गई। तुम सबसे अच्छी हो टीटीपो। सच कहा, ये बिल्कुल मेरे जैसा है। शुक्रिया दोस्तों। टीटीपो शो में आ ही गया। बहुत बहुत मुबारक हो टीटीपो। मैं बहुत खुश हूँ मैं टीवी पर आया।